YouTube फैमिली कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। जनाब वेलकम टू माय चैनल, वेलकम विद अनदर इंटरेस्टिंग व्लॉग। हम आए हैं शारिक एंड उकाशा की पीटीएम अटेंड करने। आज उनका रिजल्ट भी है, उकाशा का वेरी फर्स्ट रिजल्ट है। तो चलें जी चलते हैं रिजल्ट की तरफ। और बड़ी अच्छी बड़ी प्यारी डेकोरेशन की हुई थी, बहुत अच्छे से बोर्ड्स बनाए हुए थे, बड़ा अच्छा डिस्प्ले लगाया हुआ था। लेकिन चूँकि हम बहुत जल्दी में थे, फिर भी हमने बहुत टाइम लिया टीचर का। बच्चों की मीटिंग करना भी ज़रूरी थी, मैंने ऑफिस भी जाना था, हस्बैंड भी ड्यूटी पे थे। पिछली कई वीडियो से मेरा गला ख़राब चल रहा है, तो माजरत, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है और मेरा जो है ना वो बोलना बुलाना बहुत ज़्यादा है, तो मेरा गला अब ऐसे ही रहेगा। तो जी ये है उकाशा की क्लास, और शारिक की क्लास को भी आपको विज़िट करवाते हैं। ये है पीजी ब्लू, आई थिंक पीजी रेड शारिक की थी, उकाशा की थी। और यहाँ पे जनाब ये शारिक की टीचर्स बैठी हुई थी, तो बस शारिक की टीचर से मीटिंग करना बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि कुछ पॉइंट्स से मैंने डिस्कस करने थे बच्चों से रिलेटेड। हर पेरेंट ने अपने बच्चों से रिलेटेड डिस्कशन करनी होती है, तो वो सारी चीज़ें डिस्कस की और टीचर ने काफ़ी कोऑपरेट किया। तो उम्मीद करती हूँ कि जो मेरे इश्यूज थे वो सॉल्व हो जाएंगे। और अब आपको लेके चलते हैं वीडियो के नेक्स्ट पार्ट की तरफ। मीटिंग जो थी वो बहुत अच्छी होगी, बच्चों का रिजल्ट भी आपसे शेयर करेंगे। वीडियो को कंप्लीट देखना है आपने, और आपको पता है ना मैं क्या कह रही हूँ, लाइक ज़रूर करना है और सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। बड़ा प्यारा अच्छा स्कूल डेकोरेट किया हुआ है, बड़ी अच्छे तरीके से पेंटिंग की हुई है, टीचर्स की बहुत एफर्ट है इसमें, तो आई अप्रिशिएट दैम। यहाँ पे जनाब ये है बच्चों का रिज़ल्ट। ये जो है ना ड्रैगन वाला रिज़ल्ट उकाशा का है, और आइसक्रीम वाला रिज़ल्ट जो है वो शारिक का है। तो दिखाते हैं आपको रिज़ल्ट इनका। शारिक का चूँकि ये पहला रिज़ल्ट नहीं था, तो इसलिए पहले आपको सबसे उकाशा का रिज़ल्ट दिखाते हैं। उकाशा का वेरी फर्स्ट रिज़ल्ट था, उसका टोटल में से हाफ मार्क्स कम है। वो भी उसने एक जगह पेंटिंग में थोड़ा सा इशू किया हुआ था ड्राइंग में, तो वैसे उसको ड्राइंग करना बहुत पसंद है, लेकिन शायद उसने एक्साइटमेंट में ही इतनी ज़्यादा अच्छी ड्राइंग कर दी है कि आधा नंबर कटिंग हो गया उसका। तो 90 में से मार्क्स थे इनके, टेस्ट थे, टर्म रिज़ल्ट आप कह लें, लेकिन ये इनका हर टर्म का काउंट होता है। तो उकाशा से मुझे कोई इतनी ख़ास उम्मीद नहीं थी, क्योंकि उकाशा जो है वो बिल्कुल भी मेरे पास नहीं पढ़ता, पता नहीं क्या उसका मसला है। टीचर कहती हैं कि उसको आता है, तो मैं टीचर की बात पर सेटिस्फाई हो जाती हूँ। तो अभी उसका हाफ नंबर जो है ना वो कलर्स में से डिडक्ट हुआ हुआ था, बाकी सारी ड्रेसिंग वगैरह के नंबर उसके पूरे थे। शारिक का रिज़ल्ट आपको दिखाते हैं। शारिक का रिज़ल्ट तो ऑसम है, लेकिन मुझे कुछ इश्यूज थे उससे रिलेटेड, क्योंकि मैं उसको पढ़ाती हूँ, तो जो भी अपने बच्चों को खुद पढ़ाता होता है ना, उसे पता होता है कि मेरे बच्चे में क्या इशू है। तो बस मैंने वही डिस्कस करने थे। ओवरऑल रिज़ल्ट अच्छा था, क्योंकि हर साल इनका रिज़ल्ट काउंट होता है, तो फिर हमें पीछे और आगे को मेनटेन रख के चलना पड़ता है। तो जनाब अब हम कहीं और नहीं जाएंगे, बस नाश्ता करने के सबसे पहले, क्योंकि बहुत भूख लगी थी। हस्बैंड को मैंने कहा था चले नाश्ता करते हैं, तो नाश्ता करवाती हूँ आपको, मुझे भी करवाएं नाश्ता और मैं आपको करवाती हूँ। तो पूरी चेक करेंगे, ऐसी फिट पूरी बनाई है भाईजन ने, लेकिन हम लोगों ने पूरी नहीं खाई, हम लोगों ने खाया पराठा चने ऑमलेट हस्बैंड ने यूज़ किया। और जनाब यहाँ पे पराठे तो आ गए थे, अभी हम वेट कर रहे थे कि सालन आ जाए। जब सालन आया ना, तो वो चने ऐसे थे जैसे लीम में बने हुए होते हैं, अच्छे बने हुए थे, अच्छा खाना बना हुआ था। तो बस जल्दी से नाश्ता करते हैं और फिर चलते हैं अपने अपने कामों की तरफ। ये तकरीबन 8:30-9 बजे का टाइम था मॉर्निंग का, हम लोग सुबह सुबह ही मीटिंग में चले गए थे, अभी कोई भी नहीं आया था, सबसे पहले हम ही गए थे। तो बस ये सालन मैं आपको दिखा रही हूँ, और अभी हम नाश्ता करते हैं, आप भी हमारे साथ ज्वाइन करें। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगेगा नाश्ता। तो बस जनाब लेट्स स्टार्ट। खाना ला के सामने रखा हुआ था, और हस्बैंड की हमेशा की तरह कॉल्स शुरू हो गई थी सुबह ही सुबह। इनको बहुत फ़ोन आते हैं, सुबह सुबह इनका फ़ोन रिंग होने शुरू हो जाता है, और मैं हमेशा नाश्ता रख के ना इनके इंतज़ार में बैठी होती हूँ। तो अभी मैंने कही थी जल्दी से खा ले, मुझे बहुत भूख लग रही है, फ़ोन बंद कर दें। तो बस खाना शुरू करते हैं, रायता इन लोगों ने ला के रखा, लेकिन मैंने रायता यूज़ नहीं किया, क्योंकि गला बहुत ऑलरेडी ख़राब है। तो अभी जनाब मैंने ना कह के दोबारा से एक और प्लेट सालन की मंगवाई, और उसके अंदर ना जो प्याज है ना वो ऐड करवाई, क्योंकि इनकी प्याज बहुत मज़े की होती है। हम लोगों ने पहले भी यहाँ पे नाश्ता किया और बहुत इन्जॉय किया था हमने। तो जनाब अभी भी मेरे मुंह में पानी आ गया, कसम से वॉइस ओवर करते हुए भी मेरा दिल कर रहा है सुबह फिर से ये वाला नाश्ता करें। तो देखेंगे जनाब सुबह की सुबह, और भी डिलीशियस सा नाश्ता इन्जॉय करें आप भी हमारे साथ। तो काफ़ी मज़ा आया नाश्ता करके। नान हट न्यू होटल ओपन हुआ है ये, एक दफ़ा हमने पहले ट्राई किया यहाँ का नाश्ता, और आज फिर से हम लोगों ने नाश्ता ट्राई किया था, तो इट वाज वेरी गुड। कैसा था नाश्ता, मज़ा आया? ये लस्सी की कमी पूरी की है आपने, है
है डन। मेरी नाश्ता हमारा हो गया फिनिश, अब हम जाएंगे अपने अपने कामों काम। तंदूर भी लगाया हुआ है और नान बन रहे थे, बहुत ही अच्छे शक्ल से बहुत अच्छे लग रहे थे। और ये इन्होंने बनाई हुई थी चिकन कचौरी और ये मीठे पूरे, ये भी नाश्ते में ये लोग सर्व करते हैं पूरियों के साथ अगर कोई लेना चाहे तो। एक साइड पे पूरी वाले अंकल पूरियां लगा रहे थे और एक साइड पे नान वाले अंकल नान लगा रहे थे। जब मैं जाने लगी स्कूल तो मैंने सोचा कि मैं अपनी फ्रेंड्स के लिए भी नाश्ता ले जाऊँ, तो बस मेरे हस्बैंड से कहा कि आप मेरा ऑर्डर दे दें, दो नान चने और खा लेंगे हम लोग उसी का वेट करते हैं। तो चलेंगे हम लोग अपने ऑफिस, आपसे शेयर कर ली। तो अभी हम लोग नान हट आए थे, नान हट का एक्सपीरियंस हमारा बहुत अच्छा था। वीडियो मेक करती हूँ, आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। तो आप याद रखें और दूसरों का ख्याल रखें, जिए और जीने दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, कीप स्टेइंग, कीप सब्सक्राइबिंग, कीप स्माइलिंग। अल्लाह हाफिज़।